ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, आज बात करते हैं चमत्कारी लहसुनिया रत्न की। ज्योतिष शास्त्र में लगभग 200 रत्नों की चर्चा की जाती है, परंतु इनमें से 9 महारत्न और 85 उपरत्न ही जाने व पहचाने जाते हैं तथा प्राप्त हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की मान्यता है, उनमें से राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। केतु ग्रह का महारत्न लहसुनिया है। इस रत्न को अंग्रेजी में कैट्स आई कहते हैं। आज हम इस वीडियो में लहसुनिया रत्न से होने वाले लाभों के बारे में जानेंगे। लहसुनिया रत्न अचानक होने वाली समस्याओं से निजात दिलाता है। यह रत्न केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में सक्षम है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वैदूर्य, विद्रालक्ष आदि। यह वृषभ, तुला, मकर, मिथुन व कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। जब भी बने बनाए काम में अड़चन आने लगे, चोट लगे या दुर्घटना का भय बने, उन्नति के सभी मार्ग बंद हों, तो समझें केतु के कारण परेशानी चल रही है। अगर कुंडली में केतु की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो, अर्थात 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में हो, तो लहसुनिया पहनने से फायदा होता है। लहसुनिया रत्न शनिवार तथा बृहस्पतिवार को चांदी की अंगूठी में धारण करना शुभ होता है। अगर आपके कार्य व व्यवसाय में लगातार हानि हो रही है एवं बिगड़े कार्य नहीं बन रहे हैं, तो लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। यदि किसी बच्चे को या नौजवान को बार बार नजर लग रही हो, तो वह चांदी के लॉकेट में लहसुनिया रत्न धारण कर सकता है। अगर आप लगातार रोग से ग्रसित हैं, तो चांदी की अंगूठी में लहसुनिया रत्न धारण करने से लाभ होता है। जो लोग बुरी आत्माओं या बुरे सपनों से डरे रहते हैं, उन्हें लहसुनिया रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। जब किसी को केतु की महादशा चल रही हो, तब लहसुनिया रत्न धारण करने से उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। लहसुनिया रत्न को ज्यादातर चांदी की अंगूठी में धारण किया जाता है। शनिवार की अर्धरात्रि को यह रत्न पूजा पाठ करके मध्यमा या कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। केतु एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। अतः जब केतु लग्न त्रिकोण अथवा तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में स्थित हो, या केतु की महादशा में लहसुनिया धारण करने से लाभ होता है। यदि जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, तो लहसुनिया रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लहसुनिया रत्न उन जातकों के लिए बेहद उत्तम होता है जो शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश का कार्य करते हैं। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।